जैसे कि मेरे को घोड़े से क्रॉसिंग करानी है मेरी घोड़ी। अब आदमी क्या सोचता है ना यार, अच्छा ये 70 फीट का घोड़ा, चलो इसी के पास ले चलूँ। तो आदमी को क्रॉसिंग कराने से पहले ये भी देखना चाहिए कि मेरे घोड़े के लिए घोड़ा सूटेबल है भी या नहीं भी है, या फिर मैं किस घोड़े से मेरी घोड़ी को क्रॉसिंग कराऊं जिससे मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल सके। क्योंकि आदमी क्या करता है ना, 3 घोड़े से क्रॉसिंग कराई यार बच्चा अच्छा नहीं मिला, फिर चौथे के पास जाता है, तो उसका वो एक तरीके से तीन, जो मान के चलो 3 साल खराब हो गए। तो वो खराब ना हो, ऐसे बोलते हैं ना, हम भगवान तो है नहीं कि परफेक्ट बताते हैं सही है, पर एक आइडिया समथिंग लग जाए आदमी को, उसके लिए क्या करे आदमी? उसके लिए ये है कि आपको जैसे आपकी एक गुड़ी का मान लो पूरा पट्टा है, पूरा माथे पर पूरा सफेद पट्टा ब्लेज है, है। ठीक है ना। ओके। अब ब्लेज है तो आप कोशिश, अगर आंखों के ऊपर आ रहा है तो आपको घोड़ा चूज करना चाहिए। ये आइडियली है कि भाई ये जरूरी नहीं कि वो ऐसा ये कर, आप यानी कि बस ये एक समथिंग आइडिया बता रहे हो, आइडिया पर लगा पूरा सकते सौ हो, परसेंट सही नहीं सौ है, परसेंट नहीं है। आप एक्सपीरियंस से आपको ये लगता है कि ऐसा करने से ऐसा हो ऐसा सकता हो है। सकता है। हाँ, और हो सकता है आपने अगर बहुत लंबे टाइम, जैसे मैंने 30 साल घोड़ों के साथ काम किया, हाँ तो 4 बार के एक्सपीरियंस से हो जाता है कि आपको ऐसे करने से ये रिजल्ट ये हो मिलेगा। जाता है। तो अगर फुल ब्लेज वाली घोड़ी है तो एक क्या ब्लेज आता है आंख के ऊपर आ जाता है, बहुत ज्यादा पट्टा आता है। आजकल क्या होता है, 4 इंची का पट्टा पसंद करते हैं, जो व्हाइट ओके। ब्लेज आता है ना, चार हाँ इंची वाला। तो पूरा ब्लेज अगर आ गया है ओके। तो आपको कम पट्टे वाला घोड़ा यूज करना चाहिए। कम पट्टे वाला हाँ, घोड़ा, कम मतलब बड़ा पान हो या पतला अच्छा हो उसका, क्योंकि यानी कि जिस अगर घोड़े से क्रॉसिंग करा रहे हो देख लो इसमें पहले क्या है। हाँ, तो क्या है कि अगर आपका घोड़ी का बहुत ज्यादा ब्लेज है आंख के ऊपर होके आ रहा है, और ओके। अगर आपने उसी तरीके का घोड़ा यूज किया तो हो सकता है आपके घोड़े के संभावना संभावना 100% नहीं, संभावना ये है कि उसके बच्चा ताकी पैदा हो सकता है, एक काफी आंख यानी भाई एक आंख सफेद और एक आंख काली। काली हो सकती है, ओके ठीक है ना, क्योंकि उन दोनों का ब्लेज बहुत ज्यादा है। यानी संभावना है पर संभावना वो हंड्रेड वो परसेंट नहीं नहीं है, है। मगर चांस ऐसे हमने मान लो आप समझ लो 10 में से 2 या 3 चांस ऐसे देखे हुए हैं कि ऐसा पैदा ओके हुआ है। ओके। हाँ, अगर तो इसके लिए क्या होगा, अगर फुल ब्लेज वाला है तो उसको आप ज्यादा ब्लेज है तो कम वाला ले लो, कम ब्लेज है तो थोड़ा ज्यादा वाला ले लो, अगर घोड़ी के 5 तिलक है तो पट्टे वाला घोड़ा ले अब लो। जैसे मान के चलो मेरे पास में काली चंबी घोड़ी है और हाँ मैंने किसी नुकरे घोड़े से क्रॉस करा दी तो सही है वो, हाँ, अगर काली चंबी घोड़ी है और अगर और मैं उसका, चाह रहा हूँ बच्चा नुकरा पैदा हो। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो काली चंबी पैदा हुई है उसके पीछे कोई नुकरे का ब्लड है या नहीं है। अच्छा उसके पीछे है या नहीं हाँ, है? क्योंकि होगा जरूर, चंबी अगर ओके पैदा हुई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं 2 जनरेशन 4 जनरेशन पहले उसके नुकरे का ब्लड है, इसलिए वो ओके। चंबी पैदा हुई तो है। जैसे कि मान के चलो मैं तो किसी से घोड़ी लेके आया हूँ, अब मैं 3 जनरेशन पीछे कैसे जाके पता नहीं, करूँ? आइडियली लग जाएगा आपको घोड़ी के, जो जैसे क्या एक चंबी होती है कि हल्का सा निशान हुआ, बिल्कुल सफेद निशान भी है। कम हुआ, कम ओके हुआ, इसका मतलब इसका बहुत दूर में नुकरा है, ओके। मगर ज्यादा ज्यादा है। हुआ तो बोले यानी एक दो पीढ़ी में हाँ, जैसे पीछे। चारों पांव ब्लेज पंच कल्याण है, ओके पेट के ऊपर बहुत बड़ा यानी कि 1 फीट का व्हाइट है पेट के नीचे, मुंह ओके उसका ज्यादा व्हाइट है, ओके। काले बाल के अंदर हल्के ग्रेश बाल है यानी व्हाइट बाल है, हाँ तो इसमें ज्यादा संभावना है, तो ओके उस पर आप नुगरा डालिए, नुगरा पैदा होगा। ओके। तो एक चीज बताओ, जैसे घोड़ा या घोड़ी मैं ले रहा हूँ तो वजन भी कोई मायने रखता है क्या? नहीं, वजन आप ये वजन का तो क्या है कि नए जो बंदे हैं ये तो हष्ट पुष्ट घोड़ा खरीदने की कोशिश करेंगे ओके। क्या, यानी वजन वजन नहीं देखा जाए लेते नहीं हुए? वजन दे, वो तो हष्ट पुष्ट तगड़ा घोड़ा देखते अच्छा हैं, जो युवा है वो देखेगा तगड़ा होना चाहिए, तगड़ा। साला वजन कितना भी कोई मतलब हाँ, नहीं कोई है। मतलब नहीं, ओके। मगर हम लोग जब घोड़ा खरीदते हैं जब आप लोग घोड़ा लेने जाओगे तो आप क्या देखोगे नहीं, यानी मैं कि? तो उसका वजन नहीं देखूंगा, मैं उसका स्ट्रक्चर कितना भारी है, अच्छा। कि जैसे भी आज की तारीख में ये घोड़े का 300 किलो वजन है और अगर उसका स्ट्रक्चर 500 किलो तक बर्बाद करने वाला है ओके। तो मैं उसको खरीदूंगा। अब अगर उसमें अगर 100 से 150 किलो अगर मेरी खुराक से मेरे खाने से ऐड हो गया तो ओके। उसमें ब्यूटी में सुधार आ जाएगा, ब्यूटी में सुधार आ जाएगा क्योंकि उसकी वो कोई ये तो नहीं कि आपने 1 क्विंटल वजन बढ़ा दिया तो एक ही जगह बढ़ रहा है, ओके वो तो उसके ओके। कुछ पुट्ठों पे बढ़ेगा, कुछ उसकी बैक यानी पे अलग बढ़ेगा, अलग जगह पे बढ़ेगा अलग वजन। अलग जगह बढ़ेगा, उसके मसल्स होंगे, तो वो ओके। अगर 2.5 से 3 क्विंटल की 300 किलो की जो घोड़ी होगी, 400 से 450 किलो होने पे उसकी ब्यूटी आपको बढ़ जाएगी। अब आपने ऑलरेडी 5 क्विंटल का घोड़ा ले लिया है और आपकी खुराक अच्छी नहीं है और ओके वो घोड़ा जब 3 क्विंटल का हो जाएगा 300 किलो का, तो आपको ओके भद्दा लगेगा वो, क्योंकि ओके। लगेगा अरे यार ये तो क्या खरीद लिया मैंने, दुबला हो गया, घोड़े को खिला यानी देने। वजन का भी एक रोल तो है हाँ, वैसे। रोल है, मगर आपको घोड़े को फिट रखना है, फैट नहीं रखना है, जैसे ओके इंसानों में होता है ना कि घोड़े को इंसान को मोटा नहीं करना है, मगर फिट ओके। हो, उसकी बॉडी के हिसाब से वजन होना चाहिए। बॉडी के हिसाब से यानी कि वो हाँ, देख ले। अगर मेरा ये है कि भाई अगर 60 इंच की घोड़ी है तो उसका 300 से 350 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना वजन चाहिए। नहीं होना चाहिए हाँ, अगर नॉर्मल। नॉर्मल ओके
62 की घोड़ी है तो 350 से 400 हो जाए, ठीक है ना। अगर 64 का है तो 4.5 से 5 क्विंटल मैक्स हो गया, इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अगर मारवाड़ी घोड़ों में अगर आप देख रहे हैं तो थोरो ब्रेड में होता है 7 क्विंटल वजन होता है क्या, तो हो गया वो तो उसकी हाइट ही और उसका स्ट्रक्चर ही अलग। जैसे कि अगर आपको घोड़े लेने होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं और आपके पास में कहाँ से लोग आते हैं घोड़े लेने? देखो पहले तो क्या होता था, हम मेलों में जाते थे। अच्छा। क्योंकि पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था तो मेलों में ही घोड़े आते थे, और एक ही जगह आपको करीबन 2000-4000 घोड़ों में देख के आप घोड़ा खरीद रहे हो। ओके, मेले में जाके कंफ्यूज हो जाते होगे आप भी। नहीं, वहाँ तो इतने 2000-4000 घोड़े, मगर उसमें आपकी वो आंख होनी चाहिए, क्योंकि 4000 घोड़ों में से घोड़ा निकालना, आपकी आंख वैसी हो कि भाई आप वो घोड़ा पर्टिकुलर अच्छा घोड़ा खरीद रहे हो। okay. क्योंकि उसको वहां पर आपको एक या आधा घंटे में डिसाइड करना है। okay. अब क्या हो गया, आप आजकल जो लोग हैं वो स्टेबल में जाके खरीदते हैं, तो वहाँ क्या होता है उसकी माँ भी देखते हैं, उसका बाप भी देखते हैं, बच्चे को भी देखते हैं, तो उससे क्या उसको माँ बाप को देख के वो आइडिया लगा लेते हैं भाई ये बच्चा कैसा बन जाएगा। ओके। तो उस तरीके से खरीदते हैं। तो अब अच्छा फिर क्या होता है, मेले में आप जब जा रहे हो तो पहले मेले में आ रहे तो आपको व्यापारी से 10 मिनट की पहचान है। अब अगर वो झूठ भी बोल रहा है, साहब इसकी घोड़ी, इसकी माँ तो 64 इंच की घोड़ी है, तो आप कैसे मना करोगे? ये भी नहीं बोल सकते झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है क्या, और सच बोल रहा तो भी आप झूठ मान लोगे। तो वहां पर आप कोई ऑथेंटिक बात नहीं समझ सकते जब तक आप उस बंदे को तो 10 मिनट से पहचानते हो ना। okay. उसको सेल करना, वो उसकी बड़ाई जरूर करेगा, वो तो 70% भाई साहब उसका करेगा, और हो सकता है 30-40% उसमें झूठ भी मिक्स। अच्छा दूसरा, आप जैसे मेरे स्टेबल पे अगर कोई घोड़ा खरीदने आ रहा है, ऑल इंडिया के आते हैं और सब लोग बाग जानते हैं, पंजाब से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं। आप यानी कि साल में कितने बच्चे वगैरह सेल कर देते हो? यानी मेरे पास जैसे भी 12 घोड़ी है, तो मैं हर साल हर घोड़ी को प्रेग्नेंट नहीं कराता हूँ। हर साल हर घोड़ी को प्रेग्नेंट क्यों नहीं कराता हूं? क्यों? उसका कारण है कि मेरे लोग तो जैसे क्या एक घोड़ी में बच्चा दिया 11 दिन बाद फिर दोबारा लगा देते हैं, क्योंकि उनके घोड़े राइड में नहीं चलाते हैं। अच्छा, आप राइड में चलाते हैं? मैं राइड में चलाता हूं, मेरे घोड़े साल में 9 महीने राइड में चलते हैं। ओके। और अगर मैंने जैसे आप सोच लो कि एक बच्चा दूध पी रहा है नीचे और 11 दिन बाद क्रॉस करा दिए, तो बच्चा 4 महीने का होगा, जब तक तो वो सारा दूध पीता ही रहेगा, तो दो तरफ से घोड़ी कमजोर हो रही है। एक तो कमजोर हो रही है कि वो घोड़ी बच्चा दूध पी रही है, दूसरा उस बच्चे को अंदर पेट में बड़ा हो रहा है। okay. तीसरा, आप उसको राइड भी कर रहे हो तो घोड़ी को कमजोर होना ही होना है, क्या दिक्कत तो, आएगी। हाँ, तो हम इसलिए क्या होता है कि जैसे भी मेरे यहाँ बच्चे हो गए 1 महीने से 1.5 महीने के बच्चे हैं, तो हम कोशिश करेंगे इन घोड़ियों को 6 से 7 महीने बाद उसको ब्रीड कराएं। तो बच्चा दूध छोड़ दिया, 2 महीने उसको वापस उसकी हेल्थ बनाने में लग गया, और उसके बाद हम घोड़ी क्रॉस करा देंगे। तो हमारा क्या क्रॉस हो जाएगा, 10 घोड़ी है, 3-4 घोड़ी अभी क्रॉस है, 3-4 घोड़ी अगले साल हो जाएगी, तो हमारा वो टर्न ओवर चलता रहेगा। तो आपके पास में जैसे कि स्टेट फॉर्म पे, जैसे कि मैं बोलूँ तो एक बार सेलिब्रिटी में कौन कौन आ चुका है? यानी कि मेरे यहाँ सेलिब्रिटीज में मैंने बहुत सी मूवीज में काम कराया हुआ है घोड़ों का। अच्छा, यानी कि आपने अपने जो घोड़े हैं वो मूवी में भेजे हुए हैं? और मैं जैसे करीबन 40 साल से जो कर, पहला घोड़ा आपने किस मूवी में दिया अपना? पहला मेरा तक जहाँ तक मेरा खुद का घोड़ा नहीं, यानी कि आपके मालिक का ही घोड़ा, मालिक का घोड़ा, तो हमने मैं तुलसी तेरे आंगन की उसके अंदर घोड़ा लगाया, कच्चे दावे गए मूवी थी कबीर बेदी की, यानी वो पिक्चर देखनी पड़ेगी एक बार घोड़े की। राजपूत जो मूवी थी, अच्छा, राजेश खन्ना, अच्छा, मैं आया तेरे ते संग संग वो जो गाना होता है, और उसमें जो घोड़े लगते हैं, तो मेरे नहीं थे, मैं जहाँ काम करता था उस मालिक के थे, मगर मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें था। अच्छा अच्छा। तो इस तरह की बहुत सारी मूवी है पहले बनी हुई है, बाद में हमने एक बहुत बड़ी मूवी का जो काम किया उसका नाम था खुदा गवाह। खुदा गवाह? हाँ, अच्छा। खुदा गवाह के अंदर अमिताभ बच्चन की थी? अमिताभ बच्चन थे, श्री देवी थे, और वो नागार्जुन था। अच्छा। उस टाइम उनकी वाइफ भी साथ आई हुई थी, उस टाइम उन्होंने शादी नहीं की, फियोंसे थी उनकी। ओके। तो उनको मैंने राइड वहाँ पर जब फ्री टाइम होता था, तो उसको क्या वो वहाँ जंगल में हम जब राइड करते खुदा गवाह की नदी के पास में, तो बोर हो जाते तो चलो भाई चलो राइडिंग कर, इनको राइड करा दो, तो उनको राइड नहीं आती थी मगर उनको हम सिखाते थे। मगर अमिताभ बच्चन अच्छे राइडर है, श्रीदेवी अच्छी राइडर है, क्या वो उनको राइट, विनोद खन्ना। तो आपके इस पे फार्म हाउस पे कौन कौन विजिट कर चुका है? मेरे फार्म हाउस पे जैसे आप अपने जो क्रिकेट प्लेयर है यूसुफ पठान, हाँ, अच्छा, क्रिकेट प्लेयर है, उनको घोड़ों का बहुत शौक है। तो वो कब आए थे आपके यहाँ? वो करीबन 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले। अच्छा, इसी जगह पे आए थे आपके? अच्छा, ये जो आपके ये रूम वगैरह फार्म हाउस वगैरह बने हुए हैं, वो तो यहाँ से उनका जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा। उनको राइड भी कर, क्योंकि लोकेशन भी ऐसी है ना कि आदमी का मन करता भी नहीं जल्दी से जाने का। घोड़े के जो प्रेमी होते हैं ना, उनकी बात कभी खत्म नहीं होती। ओके। वो बात कर, घोड़े की बात कभी। अब जैसे हम देख लो कि इतने दिन से बात कर रहे हैं, और यानी कि सवाल का आंसर मेरे को लगता है एक पार्ट में पूरा आंसर हो जाए, पर टाइम की वजह से सब सवालों को भी कवर करना है, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। आप समझ लो ये पूरा
अब आपके 40 साल का एक्सपीरियंस में दो दिन में तो ले नहीं सकता, कितना भी कुछ भी कर लो, मेरे मेरे अंदर से भी नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है, ये बात करते करते आप अगर लंबे टाइम बातें करते हो, नई नई चीजें निकलती है, नई नई चीजें निकलती है, क्योंकि बात में से बात निकलेगी, बात में से बात निकलती है। आप, मैं सोचता हूँ कि मैं आपको एक सवाल के दो जवाब दूंगा, मगर हो सकता है पांच जवाब आ जाएंगे, क्योंकि उसको क्या होता है, एक एक ही चीज का, एक सवाल के एक ही जवाब नहीं हो सकता है, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे जवाब होंगे। अब आप उसको सिचुएशन के हिसाब से यूज करोगे, कौन सा जवाब कहाँ फिट। जैसे कि आपने कल अपने अगले एक पार्ट में बताया था कि वही पेट के घोड़े में अगर दर्द होता है तो एक ही दवाई ना दो, पहले ये पता कर लेगी कौन किस तरीके के घोड़े के पेट का दर्द है। अब जैसे कि वो पेट के दर्द ही चार तरीके के, तो उस तरीके से जो भी कोई स्थिति है वो हो सकता है कि कुछ अलग तरीके की स्थिति हो। हाँ, तो ये इसके लिए तो आपको घोड़ा राइड करते हो तो भी ये ध्यान रखना है, हर घोड़े को एक तरीके से नहीं चला सकते हो। ओके, क्या अगर आपको जैसे राइड सीखनी है, मैं आपको एक पर्टिकुलर घोड़ा दे दूंगा और आपको 7 दिन में अच्छा राइडर बना दूंगा, 7 डेज में आप उसमें ट्रोट भी करोगे, गैलप भी करोगे, सब कर लोगे, मगर आप ये सोचते हो कि अगर आप मास्टर बन गए, नहीं बने हो, नहीं बन आप सक... अगर 20 घोड़े अलग अलग चलाओगे तो आपको हर घोड़ा, मेरे को करीब हर घोड़े पे आपका नया वो एक्सपीरियंस रहेगा, आप जीरो रहोगे। मैं ये सोचता हूँ कि जो हर घोड़ा मैं नया चला रहा हूँ, मुझे वो घोड़ा बोलता है ये चीज तेने आज के पहले नहीं देखी, आज देख ले। अच्छा, क्या जैसे मान लो मैंने 40 साल में समझ लो 1000 घोड़े चलाए होंगे, ठीक है ना, अब एक हर एक घोड़े ने मुझे एक नया लेसन दिया है, नया कुछ सिखाया है, नया सिखाया है कि मैं ऐसे करता हूँ और तेने दूसरे घोड़े ने नहीं किया होगा। ओके, तो फिर उसके आपको टाइम के हिसाब से आप उसको डल जाओ। तो आपने कभी ऐसा देखा है जैसे कि आपके साथ में हो या किसी के आपकी आंखों के सामने ऐसा कुछ हुआ हो कि जैसे कि राइडिंग कर रहा हो बंदा और राइडर घोड़े की वजह से उसके ऑन द स्पॉट? हाँ नहीं, मेरे हमारे यहाँ भगवान की मेहरबानी, नॉक ऑन द वुड, के ऐसा मरने डेथ जैसा कोई नहीं हुआ। अच्छा, मगर इंजरी जरूर हुई है। अच्छा, जैसे किसी का मान लो कमर में थोड़ा सा मचक आ गई। ओके, क्योंकि स्पीड होती है, उसने रोक नहीं पाया, कोई बैलेंस बिगड़ गया टर्न में आपको, तो या मान के चलो कि मान के उसका ध्यान वहां ना हो, वो दिमाग में और कुछ सोच रहा हो एकदम, नहीं हो सकता। क्या होता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि घोड़ा अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है, क्या तो आप उसको कोशिश करो 35-37 की चलाओ, क्योंकि 40 वो चल सकता है और आपने 42 चला गया, मतलब घोड़ा भी आउट ऑफ कंट्रोल है, घोड़ा भी जो भाग रहा है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक्स्ट्रा चल रहा है, क्या वो उसके माइंड से नहीं चल रहा है, वो आप उसको पुश करने से भाग रहा है, क्या आपके उसका खुद का भी उसका कंट्रोल उस पर नहीं है और आपका कंट्रोल भी नहीं है। ओके, तो इसलिए हमेशा आपको आगे की 100 मीटर दूर देख के ही चलना है कि कैसे चलाया जाएगा। ओके ओके, एक चीज आप मेरे को ये रहता है, जैसे घर में घोड़ों को बुखार और खांसी जुकाम वगैरह हो जाते हैं, नॉर्मल सी चीज है ये, तो अगर हमको भी हो जाता तो हम पैरासीटामोल खा लेते हैं, हमको एक गोली है जो सबसे बढ़िया है जो पता है ना, तो जैसे कि घोड़ों के लिए ऐसा क्या है कि जैसे कि हम घर में देते, अब देखो ऐसे बोलते हैं मैं एक घोड़ी रख रहा हूँ, अब मेरी मान लो इतनी श्रद्धा नहीं है, मैं बात बात के लिए डॉक्टर को बुलाऊं वो तो बात ही 250 रुपये लेगा, चाहे से एक ही गोली देके जाए मेरे को, है ना। तो अब उसमें क्या करना चाहिए, फैला तो सबसे बात जैसे कि भाई आपके घोड़े को सर्दी जुकाम हो गया, मान लो सर्दी जुकाम होने का भी कारण है कि आपने उसको कहीं गर्मी में घूम रहा है 40 डिग्री में और वहाँ पानी रख रखा, उसने पानी पी लिया तो उसको सर्दी जुकाम हो गया। अब सर्दी जुकाम को उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है कि सफाई ही उसका उपचार है। अच्छा, यानी कि जहाँ पे भी घोड़ा बैठ रहा है वहाँ बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। जैसे इनकेस जैसे मेरे एक घोड़े को मान लो मैं एक जगह से जब 4 महीने पहले एक घोड़ा खरीद के लाया, वो दिन भर धूप में बंधा रहता था, उसको सर्दी जुकाम वहां नहीं हुआ। अच्छा, उसको लेके आ गया या उसको कंफर्ट हुआ तो उसने वो बीमारी बताना चालू सर्दी जुकाम हो गया। तो मैंने क्या किया कि चलो अपने को टाइम नहीं है, अपन डॉक्टर को बुलाते, 2-3 इंजेक्शन भी लगवा दिए, ठीक है, मगर उससे कोई उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। तो फिर मैंने लड़कों को उनकी ड्यूटी लगा दी या मेरी खुद की ड्यूटी लगा दी कि सूती कपड़ा लिया और उस कपड़े को हमेशा बढ़िया साफ करके उसकी नाक नोजल वगैरह सब कुछ साफ, हेड वगैरह, खाना देने के पहले पानी देने के पहले उसको सफाई रखी। तो क्या होता है जैसे आपने पूरा उसका नाक भरा हुआ है, ठीक है, उसको सर्दी जुकाम हो रहा है, उसने आपने उसको बाल्टी पानी सामने रखा है, उसने पानी पीने की कोशिश की, थोड़ा सा नहीं उसने पानी पी रहा है। अच्छा, उसका लिक्विड से वो उसका जो नाक का जितना भी बलगम उसमें गिर गया, प्यासा उसने वो पी लिया, नाक से निकली हुई चीज उसको पेट में गई तो वो 4 गुना उसको एक्टिव हो जाएगी। तो एक तो वो हो गया, खाना खा रहा है मान लो उसने आपकी नाक की सफाई नहीं की, उसका खाने में उसका पूरा गिर गया नाक वाला और उसने खा लिया, तो उसका पावर ज्यादा हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। एक तो नाक वाली चीज पेट में चली गई। ओके, तो इसके लिए सफाई ही उपचार है। अच्छा, यानी कि एक तो साफ सफाई रखें और दूसरी चीज घोड़े की भी साफ सफाई रखें। घोड़े की भी साफ सफाई रखें, जब उसको अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है सर्दी जुकाम की, तो उसका नाक
दिन में 4 बार साफ करना है। और जैसे मान के चलो कोई बुखार है और देसी दवाई के रूप में कोई नुस्खा है, बुखार के अंदर तो वैसे नॉर्मली क्या इजी ये हो गया कि पैरासिटामोल दे देते हैं। पैरासिटामोल घोड़े को भी दिया जाता है? हाँ, अपना उसकी क्वांटिटी बड़ी होती है। ओके, जैसे एक मेलोनिक्स। अच्छा, घोड़े की पैरासिटामोल अलग आती होगी। जैसे अपने तो अपन छोटी गोली ले लेते हैं। अच्छा, उनके ब्रिफेन ले लिया, ठीक है ना, 400 mg की एक गोली ली। ओके, घोड़े को आप 5 गोली दे दो। अच्छा, 5 गोली दे दो। तो अब आपको क्या है, अगर आपको गोली देना नहीं आता है तो आप इंजेक्शन लगवाइए। ओके, तो दूसरा, जैसे मान लो आपने पूछा सर्दी जुकाम के लिए, तो आपको हर जगह बांस के पत्ते मिल जाएंगे। किसके? बांस के? बांस के पत्ते। ओके, तो उन बांस के पत्ते को आप थोड़े तोड़ के लाओ, 50-100 पत्ते। ओके, उसको बढ़िया धो लो पानी के अंदर। ओके, और उस घोड़े के सामने डालो, घोड़ा खा लेगा। ओके, तो घोड़े के गर्दन के अंदर जो नली में जितनी भी खराश होगी उसके खाने से वो खराश पेट में चली जाएगी। और उसकी नाक से जो निकलने, तो उससे भी सर्दी जुकाम ये खांसी वाला सही होता है। दूसरा, आप अदरक जो होता है अपना, क्या उस अदरक को 10 से 15 ग्राम अदरक ले लो। ओके, उसको आग के अंदर, उसको जैसे अपना ओवन में रखते हैं ना वैसे तपा लो। ओके, उसके ऊपर सिल्वर पेपर लगा के आग के नीचे रख दो। ओके, तो बब जाएगा। हाँ, या पानी में वाप लो, फिर उसको बढ़िया कूट के उसके अंदर आप नमक मिला दो। ओके, जो काला नमक मिला दो और उसको आप खिला दो, तो भी खांसी उसकी सही हो जाएगी। जैसे अपन जिंजर टी पीते हैं अपने को सर्दी जुकाम खांसी होगा, तो ये भी एक घर का उपचार है। घर का यानी कि घर में घरेलू उपचार कर सकते हो, 250 रुपए नहीं लगेगा। आपको क्या लगेगा, 5-10 रुपए का अदरक आ जाएगा, 50 पैसे। घर में तो अदरक रहता ही अपने। बांस के पत्ते जब आपका फार्म हाउस है तो बांस के पत्ते तो कहीं भी मिल जाएंगे। कहीं भी अगर किसी दूसरे के यहाँ भी जाओगे तोड़ने कोई मना नहीं करेगा बांस के पत्ते। ये खांसी। एक चीज ये होता है, जैसे कि आपके मैंने हर वीडियो में देखा है भाई साहब साथ में बैठे रहते हैं, है ना, तो साथ में रहते हैं, सब काम साथ में करते हैं, तो ऐसा क्या लगाव है या नहीं? देखो क्या होता है, इनको घोड़े का बड़ा क्रेज, मतलब इनको शौक है। अच्छा अच्छा, दूसरा क्या होता है कि अगर कोई बंदा आएगा साहब मुझे आपके यहाँ राइड करनी है, ओके, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा चलो भाई एक बार कर ले। मगर ये सिर्फ राइड करने नहीं आते। अच्छा, ये मेरी जो मैं काम कर रहा हूँ उससे ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ओके, भाई साहब ऐसा करते हैं, आज घोड़े को निला देते हैं। अच्छा, आज घोड़े के सुन, यानी घोड़े वगैरह निलाने का काम सब यही करते हैं ना? या इनको शौक है। अच्छा, शौक है कि कोई ड्यूटी नहीं है, मेरे कोई नौकरी नहीं कर रही है, मेरा फ्रेंड है, इनको शौक है। जो एडिशनल काम मैं बिजी होने की वजह से नहीं कर पाता वो काम ये कर देते हैं आपके। अब घोड़े को मान लो मेरे कोई बंदा स्टाफ नौकरी मतलब छुट्टी पे चला गया और घोड़ों का खाना मिलाना है, तो मैं मिला रहा हूँ, ये डाल रहे हैं। ओके, और ये क्या, जब बहुत कंटिन्यूटी में मेरे क्लोज है ना, तो इनको शौक तो घोड़ों का, ये घोड़े रखते ही थे इनके पेरेंट्स वगैरह, तो अब इनको शौक है। तो ये जब आपको क्या होता है, अगर कोई बंदा आपके यहाँ एक ही दिन आ रहा है तो बेटर आप उसको काम मत बताओ। ओके, क्योंकि उसको बताओगे तो आपका ब्रेन, आपकी एनर्जी इतनी खत्म हो जाएगी, बताने मत, आप खुद कर लो। वो तो है। मगर ये जब करीबन 5-4 साल से मेरे यहाँ आ रहे हैं तो इनको मालूम है कौन से घोड़े को किस तरीके से डालना, क्योंकि वो आपको देख रहे होंगे। देख इन्होंने, इनको आते ही जिस फर्स्ट दिन आए थे उस दिन थोड़ी काम बता दिया, मैं बोला तुम देखो यार, ज्यादा तुम उल्टा डालोगे सीधा डालोगे या कैसे निलाओगे, क्या निलाना इनको आता है, मगर मेरे घोड़े का भी निलाने का तरीका अलग होना है, कहाँ बांधना है उसको। ओके, कैसे बांधना है, कौन से घोड़े को कैसे बांधना है, तो इस वजह से ये इनको शौक है। तो जैसे कि आपको सर ने सैलरी देते ना कुछ करते हैं, तो जब भी आप इनके साथ में रहते हो तो आप यानी कि सीखने के लिए रहते हो या क्या बेनिफिट है? मैं सीखने के लिए रहता हूँ। अच्छा, सीखने के लिए। और ये सब सारा मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, ये सब कुछ करना आपको अच्छा लगता है? एनिमल लवर हूँ। अच्छा, एनिमल, सिर्फ घोड़ा ही नहीं। अच्छा, सारे मेरे को पसंद है। मैंने गाय भी पाल रखी है, कुत्ता भी पाल रखा है, भैंस भी पाल रखी है, बकरी भी पाल रखी है, सब कुछ, सारे जानवर पाल रखे हैं। घोड़े भी रखते थे, अभी घोड़ा नहीं है। घोड़ा नहीं है तो ये आपके यहाँ यानी क्या? फिर इनको क्या नेचर का शौक भी है। ओके, क्या तो राइड होती है, तो कभी मोटर बाइक चलाते हैं, कभी घोड़ा चलाते हैं, कभी घोड़ा चलाते हैं, तो हर चीज में। देखो क्या होता है कि बंदा जो होता है ना, ये इनको जैसे क्या कोई भी काम बता दो कि मोटर बाइक लेके वो सामान लाना, तो भी ले आएंगे, घोड़ा चलाना तो भी चला लेंगे, घोड़े में सेडल लग रहा था हेल्प भी कर देते हैं, यानी सारे कामों में आपकी हेल्प कर देते हैं। ओके,